तुझे शायद पता नहीं है, लेकिन देवता की नजर तेरे ऊपर ही है। अचानक ही राजू बोलते बोलते रुक गया। उसे अंगद के चेहरे पर अर्थपूर्ण मुस्कुराहट देखकर इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी भयंकर भूल कर दी है। लेकिन वो भी मेरी या तुम्हारी तरह सिर्फ प्रकृति की एक रचना ही है, कोई देवता नहीं। एक प्राणी को आवाज की जरूरत भी होती है। अब तुम मुझे चुपचाप उसका पता बताओगे? राजू एक टक अंगद की तरफ देखे जा रहा था। तुम क्या कह रहे हो, ये मुमकिन नहीं है। पर अंगद, पिछली बार गोलू को बचाते वक्त भी हम बाल बाल बचे थे। तुम कैसे कह सकते हो कि वो एक आम जीव नहीं है? माफ करना बिरजू, लेकिन तुम्हारा फसल देवता ऐसा पहला जीव नहीं है जिसे मैं अपने संगठन के लिए पकड़ रहा हूं। हमने इस प्रकार के और भी जीव पकड़े हैं, लेकिन हाँ, शायद ये उनमें से सबसे खतरनाक है। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। और वो यहां से चला जाए, इसी में गांव वालों की भी भलाई है। हमें बिना और समय बर्बाद किए जंगल के लिए निकल जाना चाहिए। ये राजू ले जाएगा हमें उनके पास। राजू उसी वक्त जोर जोर से हंसने लगा। अंगद ने उसे गुस्से से घूरा तो दो पल के लिए उसकी हंसी बंद हुई। मैं भला तुम्हें फसल देवता के पास क्यों लेकर जाऊंगा? मुझे अपनी भी जान प्यारी है, और मेरी बात मानो तो तुम दोनों भी यहां से चुपचाप निकलो। और खास तौर से तुम, यहां तुम ज्यादा दिन फसल देवता से नहीं बच पाओगे। अंगद ने अपने पॉकेट से एक गन निकाली। अरे बाप रे, ये तुम्हारे पास कैसे आई? तो राजू, हमें फसल देवता के पास ले जाओगे या मेरे हाथों मरना पसंद करोगे? ये तुम ठीक नहीं कर रहे। बिरजू अपने दोस्त को समझा दे, गांव के आदमी को धमका रहा है ये। तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हमें ले चलो फसल देवता के पास। दो पल के लिए राजू शांत रहा, जैसे मन में कोई निर्णय ले रहा हो। मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम गांव वालों को कभी मेरे और फसल देवता के बारे में नहीं बताओगे, वरना वो सब मुझे मार डालेंगे। मंजूर? नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। इस आदमी की वजह से मेरा भाई इतनी दर्दनाक मौत मरा, इसकी वजह से पता नहीं और कितने लोगों की जान खतरे में है। अंगद बिरजू को अलग ले गया। बिरजू, ठंडे दिमाग से सोचो। अगर हम अभी इसकी बात मान ले तो हम गांव को फसल देवता के कहर से हमेशा के लिए मुक्त कर पाएंगे। फिर तुम और बाकी लोग इससे अपने परिजनों के मौत का बदला ले सकते हो। ना चाहते हुए भी बिरजू को अंगद की बात माननी पड़ी। तीनों राजू की ऑटो में हाईवे की तरफ से जंगल की ओर निकल पड़े, ताकि गांव में किसी को शक न हो। राजू ने जंगल के पास ही अपनी ऑटो खड़ी की और तीनों वहां से पैदल अंदर चले गए। पूरे जंगल में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। माहौल हल्का करने के लिए बिरजू चलते चलते अंगद से उसके काम के बारे में पूछताछ करने लगा। एक बात मुझे समझ नहीं आई, तुम अकेले धीरज के सारे गुंडों से कैसे निपटे? तुमने इतनी जबरदस्त फाइटिंग का प्रशिक्षण कहां से ली है? मैंने अलग अलग जगहों से लड़ाई के अलग अलग तरीके सीखे हैं। 6 साल की उम्र से ही मैंने कई मार्शल आर्ट्स जैसे कलरीपयट्टू, जुजुत्सु, करावा मागा सब सीखे हैं। बाप रे, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही जोखिम भरा काम है? सो तो है, लेकिन हमें पर्याप्त ट्रेनिंग मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद हम वहां 1-2 साल तक अलग अलग प्रकार के खतरनाक हथियार चलाना सीखते हैं। अलग अलग मिशन्स पर जाने के बाद ही हम ग्रुप लीडर या सिंगल कमांडो बनते हैं। वो जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ा ही रहे थे कि एक हल्की गुर्राहट ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। रुको, यहाँ कोई है। तभी अचानक
असामान्य गति से अंधेरे से कुछ कूद कर आया। अंगद और बिरजू उछलकर दूर जा गए। अंगद ने जमीन पर लेटे लेटे ही पीछे मुड़कर देखा, वो जीव उसे ठीक अपने सामने खड़ा दिखाई दिया। उस जीव का पतला लंबा पंजा बिरजू के शरीर को फाड़ने के लिए तेजी से बढ़ा, लेकिन वो एकदम से पलटकर उससे बच गया। बिना देरी किए अंगद ने काले बैग से एक यंत्र निकालकर उसे ऑन कर दिया। उस यंत्र में से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी। उस यंत्र से निकलती तरंगों ने उस जीव को एकदम से विचलित कर दिया। अंगद ने मौका देखकर बैग से एक और हथियार निकाला। वो एक अजीब तरह की अत्याधुनिक गन थी। अल्ट्रासोनिक तरंगों से फसल देवता को बहुत पीड़ा हो रही थी। मुझे और इस गांव को अकेला छोड़ दे मानव, वरना तेरा हश्र अच्छा नहीं होगा। ओह, तो तुम अपनी बात भी मुझ तक पहुंचा सकते हो। तुमने इस गांव में बहुत आराम कर लिया, लेकिन अब मेरी संस्था को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी मर्जी से आते हो या मेरी। क्या अंगद आखिर में फसल देवता को पकड़ने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब। कहानी जारी रहेगी।